हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे पढ़ के और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें दिए थे, कर लिए होंगे, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस फोर एक्स प्लस टू पी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, देन पी इक्वल्स टू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इक्वेशन क्या दी है, लेट मी राइट द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस फोर एक्स ओके प्लस टू पी प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि इट हैज इक्वल रूट्स। अब जैसे ही आपने इक्वल रूट्स पढ़ा तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या था बेटा, डी इक्वल टू जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी होना चाहिए बिकॉज इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी होना चाहिए। अब यहां पे इस इक्वेशन में बी की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हुई बी की, ये बी का काम कर रहा है, स्क्वायर करूंगा तो माइनस का कोई रोल ही नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली पी प्लस फोर का क्या आएगा, होल स्क्वायर, तो पी प्लस फोर का होल स्क्वायर तो यहाँ है, ठीक है। फोर टाइम्स ऑफ ए कितना बेटा, वन, सी कितना है, टू पी प्लस फाइव, ये पूरा सी हो गया, तो ये एक्स के साथ जो आ रहा है वो तो बी, एक्स स्क्वायर के साथ जो आ रहा है वो ए, और बाकी का सारा सी, तो ये पूरा का पूरा सी हो गया, तो सी कितना हुआ हमारा, टू पी प्लस फाइव, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, बस अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, दैट्स इट, राइट। सो लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट, क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके प्लस टू ए बी, टू ए बी कितना होगा, एट पी इज इक्वल टू फोर इंटू टू एट पी, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो ये एट पी से एट पी तो कैंसल हो गया, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन, यानी फोर, पी स्क्वायर अगर फोर है तो पी कितना होता है बेटा, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू होता है कि नहीं, क्योंकि जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज बी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, जस्ट दैट पी के टर्म्स में दे रखा है, तो बस हमें तो खाली डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी करके सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन सेज सॉल्व। अब सॉल्व जब बोल रहा है तो एक तो ये हो सकता है पूरा पूरा सॉल्व करके ऑप्शन चेक करो, ओके, बट आई विल नॉट डू दैट, वे पहले भी आपको सिखा रखा है, जब आपको सॉल्व बोला है और ऑप्शन दे रखे हैं तो वी सिंपली प्लग इन द ऑप्शन एंड चेक कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट लेट मी फर्स्ट चेक ऑप्शन बी, ओके, why am I going to option B? Because अगर मैं कोई माइनस माइनस वाले लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ कटेगा, जैसे यहाँ P plus Q है, अगर X में माइनस होगा तो कटेगा ना, कुछ कटेगा तो सॉल्व करना इजियर हो जाएगा, ठीक है, तो पहले प्लस वाला क्यों चेक करें, हो सकता है ये आंसर हो, पहले प्लस वाला क्यों चेक करें, पहले कौन सा चेक करें, माइनस वाला, ताकि कुछ कटे और क्वेश्चन सिंपल हो जाए, ठीक है। पहला रूट अगर माइनस पी ट्राई करूं, इसमें एक्स की जगह क्या रखा, माइनस पी, देखो रख के देखो, एक्स की जगह तुमने माइनस पी रखा तो क्या आया बेटा, वन अपॉन माइनस पी प्लस पी प्लस क्यू, ये तो आया एलएचएस में, ठीक है, इज इक्वल टू आरएचएस में कितना आया, वन अपॉन माइनस पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू, इतना आया। जरा ध्यान से देखो, ये और ये कट गए, इधर क्या बचा, वन अपॉन क्यू, फिर ये और ये भी कट गए क्योंकि ये माइनस इधर आके इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वन अपॉन क्यू, इसका मतलब डेफिनेटली माइनस पी इज करेक्ट, माइनस पी डेफिनेटली करेक्ट है। अच्छा, माइनस पी के करेक्ट होते ही ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें माइनस पी है ही, ठीक है, ये ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें माइनस पी है ही, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये और ये, अंडरस्टूड और नॉट, लेट अस चेक माइनस क्यू आल्सो, बिकॉज सिमेट्रिक है तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि माइनस क्यू भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसमें भी सेम गणित लग रही है, लगाओ यहाँ पे माइनस क्यू, तो क्या आएगा, वन अपॉन माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन वॉट, माइनस क्यू प्लस वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू, ये होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ मैंने एक सी जगह माइनस क्यू रख दिया। अब ध्यान से देखो, ये फिर कट गया इससे, और ये वाला जो इससे कट जाएगा क्योंकि ये माइनस इसके साथ कट जाएगा, तो इधर क्या बचा बेटा, वन बाय पी, और इधर भी क्या बचा, वन बाय पी, यानी माइनस क्यू भी सेटिस्फाई करता है, तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। सर आपने पहले एक यूनिट ट्राई किया, उसका कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि मैं हमेशा पहले वो ऑप्शन ट्राई करूंगा जो सॉल्व करने में मेरे को इजियर होगा, अगर मैं ऑप्शन ही पहले ट्राई करता तो वो तो मेरे को डिफिकल्टी पड़ता सॉल्व करने में, क्योंकि कुछ कटता ही, तो पहले मैं हमेशा वो ऑप्शन ट्राई करूंगा भाई जिसमें कुछ कट रहा हूं, ताकि सिंपल हो जाए, ठीक है। सो द थर्ड क्या बोल रहा है, सॉल्व, सॉल्व मतलब वापस वही एक्स निकालना, ठीक है, बट इस बार जो इक्वेशन है वो इतनी इजी लुकिंग नहीं, मतलब और ऑप्शंस भी इतने इजी लुकिंग नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस इजी थे, चलो इक्वेशन तो ये भी टफ थी, लेकिन ऑप्शंस इजी थे तो हमने प्लग इन करके चेक कर लिया, अब यहाँ पे तो इक्वेशन भी टफ है, ऑप्शन भी टफ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेकिंग करना इज नॉट द राइट आइडिया, यहाँ पे ऑप्शन चेक करना इज नॉट द राइट आइडिया, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, समझ आई बात, क्योंकि ये एक इस तरीके के ऑप्शन इसमें ट्राई करना तो और भारी काम है, राइट। अब एक चीज सबसे पहले देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले ऑब्जर्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, देयर इज एक्स स्क्वायर, देयर इज एक्स, मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री टू है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सरफेस सिखाया था शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले हमेशा क्या ट्राई करनी है, शॉर्ट ट्रिक। क्या थी शॉर्ट ट्रिक? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना, पहले वही करेंगे। सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट कोएफिशिएंट? एल माइनस एम बाई टू। व्हाट इज द सेकंड कोएफिशिएंट? माइनस ऑफ एल प्लस एम बाई टू, डोंट फॉरगेट दिस माइनस, माइनस ऑफ एल प्लस एम बाई टू। एंड व्हाट इज द थर्ड कोएफिशिएंट? इट इज एन। ये तीनों का सम निकालना, ठीक है। लेट अस चेक, इन दोनों में एलसीएम टू आ गया, ठीक है। इधर क्या बचा? एल माइनस एम, इधर माइनस है बाहर, तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो माइनस एल माइनस एम, प्लस एम अलग छोड़ दिया ये बार, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये एल से एल कट गया, माइनस एम कितना होता है? माइनस टू एम अपॉन टू प्लस एम, इतना हो गया। ये टू से टू भी कट गया, तो ये जीरो आ गया कि नहीं आ गया? माइनस एम प्लस एम जीरो आया, ठीक है। मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो आ गया, ठीक है। अब सम ऑफ कोएफिशिएंट जब जीरो होता था तो बेटा क्या शॉर्ट ट्रिक लिखी थी, कि वन ऑफ द रूट्स इज वन, और ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक, तो दूसरा रूट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये ट्रिक लिखी थी आपने, एक रूट तो वन होगा और दूसरा रूट क्या होगा? सी बाय ए। बस तो हमारे पास दोनों रूट आ गए, ठीक है। तो एक रूट तो डेफिनेटली वन आ गया, सी बाय ए। सी कितना है यहाँ पे? एम। ए कितना है यहाँ पे? एल माइनस एम बाय टू, है कि नहीं भाई? सी है एम और ए कितना है? एल माइनस एम बाय टू। तो आपका दूसरा रूट क्या आएगा? एम अपॉन एल माइनस एम बाय टू, ये आएगा कि नहीं? ये टू किधर चला जाएगा बेटा? ऊपर। तो फाइनल आंसर क्या आया? टू एम अपॉन एल माइनस एम, दिस इज द आंसर। विच ऑप्शन इज इट? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो सी, इट बिकम्स वेरी इजी बाय दैट शॉर्ट ट्रिक। ना तो कोई ऑप्शन ट्राई करना, ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी, कुछ नहीं करना, खाली देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आ रहा है तो वैसे भी दिख रहा है, तीन ऑप्शंस में वन आ रहा है, तो वी विल एनीवे अज्यूम दैट हां अभी एक रूट वन हो सकता है, और एक रूट वन होता है तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स डेफिनेटली जीरो होता है। समझ आई बात? ठीक है, लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ एल प्लस एन प्लस एन इज जीरो and l m n are rational numbers, then roots of the equation n plus n minus l x square, n plus l minus m x, l plus n minus n equal to 0 are। सबसे पहले तो ये observe करो कि ये जो quadratic लिखी है उसने, उसमें coefficients symmetric है। symmetric मतलब पहले भी समझा रखा है बहुत बार, तो these are symmetric coefficients, ठीक है। अच्छा, symmetric coefficients जैसे ही दिखेंगे, मेरे से क्या पूछ रहा है बेटा? roots of the equation are, roots of the equation are, मतलब क्या पूछ रहा है? roots का nature पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? roots का nature। रूट्स का नेचर कौन बताता है? नेचर ऑफ रूट्स कौन बताता है? डी बताता है, यानी मेरे को डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो फिर से कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि इसमें ए का रोल कौन कर रहा है? ये बी का रोल ये, और सी का रोल ये। अब इतने भारी भारी एबीसी अगर मैं यहां रखूंगा डी में, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, हो सकता है सॉल्व हो सकता है नहीं हो, फिर हम समय बिगाड़ के छोड़ दें, तो ऐसा काम पे जाना ही नहीं। पहले भी लास्ट टाइम पे भी एक क्वेश्चन करा है जिसमें हमने बोला ऐसे काम पे नहीं जाना, ठीक है। वो क्वेश्चन भी सिमेट्रिक था, ये क्वेश्चन भी सिमेट्रिक है, इज इट ऑर नॉट? सो सिमेट्री में मैं हमेशा क्या करूंगा? पहले फर्स्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, यानी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स लूंगा। सो लेट मी टेक द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट स्टेप, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। नाउ हैव अ लुक एट द फर्स्ट कोएफिशिएंट, n + n - l, दिस इज योर फर्स्ट कोएफिशिएंट। व्हाट इज द सेकंड कोएफिशिएंट? b, n + l - n, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड कोएफिशिएंट? c, इट इज l + n - n, ठीक है भाई। तीनों लिख लिए, सम ऑफ कोएफिशिएंट निकाल, जरा देखो m से n कट गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में n से n कट गया, l से l कट गया, ये सब तो कट गए। उसके बाद क्या बचा? l प्लस m प्लस n, ये बचा ना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे रखा है? l प्लस m प्लस n किसके बराबर है? जीरो के। हमने नहीं बोला, वो दे रखा है। अगर वो जीरो के बराबर है तो ये भी जीरो हो गया ना भाई, क्योंकि ये तो l प्लस m प्लस n। इसका मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना आया बेटा? जीरो। अब जब सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो होता है तो इसका मतलब पक्की बात है कि एक रूट तो वन होगा ही होगा, पक्की बात है ना भाई, एक रूट तो वन होगा ही होगा, क्योंकि सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो। समझ एक बात, अब एक रूट वन होने से क्या बातें आई, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ऑप्शंस देखना चालू करते, फर्स्ट ऑप्शन है इरेशनल। क्या वन इरेशनल है? नहीं है। आपने एक चीज और ध्यान हो तो चार्ट में क्या लिखा था, कि अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा उसी का कॉन्जुगेट होता है, मतलब वो भी इरेशनल होता है। तो दोनों रूट्स इरेशनल होंगे या दोनों रूट्स रैशनल होंगे? क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट्स कैसे हैं? रैशनल। कोएफिशिएंट्स रैशनल है, ये कंडीशन हमने लिखी थी। कोएफिशिएंट्स रैशनल जब होते हैं तो रूट्स या तो दोनों रैशनल होंगे या फिर दोनों इरेशनल होंगे। तो पक्की बात है भाई, वन तो रैशनल नंबर होता है, तो इरेशनल तो ऑप्शन गया, ये तो गया। रैशनल, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एक रूट जब रैशनल आ चुका है तो दूसरा हैज टू बी रैशनल, तो ये मेरा आंसर हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, इमेजिनरी तो वैसे ही गया। जब एक रूट रियल आ चुका है तो दूसरा भी रियल ही आएगा, दोनों इमेजिनरी होंगे या दोनों रियल होंगे। रियल एंड इक्वल, वो गलत हो गया, इक्वल का कोई हमारे पास बोलने का
लॉजिक ही नहीं है कि रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ दूसरा रूट भी वन होगा, वो कैसे बोल दूंगा, उसके लिए मेरे पास कंडीशन है ही नहीं, ठीक है कि नहीं, मेरे पास इसके अलावा कोई चीज थोड़ी है, मेरे पास बस ये है कि भाई सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो, इसका मतलब एक रूट वन है, अब एक रूट वन है तो दूसरा वन होगा ये मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि दोनों रूट्स रैशनल है, समझ आई बात, क्या बोल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, अब इसको तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये नहीं होता, स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस में क्या आता है, जीरो आता है, तो इन दोनों को इधर ले लेते हैं, इन दोनों को इधर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब इसके रूट्स क्या दे रखे हैं मेरे को, अल्फा एंड बीटा ये दे रखे हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स, ठीक है, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, जैसे ही मैंने पढ़ा कोई क्वाड्रेटिक के रूट्स दे रखे हैं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस आएगा वन अपॉन वन, तो वन आएगा, ठीक है, फिर अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया वन अपॉन वन, माइनस वन, मतलब मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ गया वन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया माइनस वन, ये तो ठीक है, राइट, ओके, ऑलराइट, अच्छा अब याद करो कोई भी क्वेश्चन जो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट से रिलेटेड था, उसमें मैंने क्या कहा था, पहले चेक कर लो फटाफट, एक नजर मार लो कि भाई ये इक्वेशन सॉल्वेबल तो नहीं है, मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो डी डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर एनी वन माइनस फोर ए सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो वन प्लस फोर फाइव, फाइव इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं, स्प्लिटिंग पॉसिबल होती तो मैं स्प्लिट करके सीधा वैल्यू डाल देता ना, जो भी पूछा उसमें अल्फा निकालता बीटा निकालता यहाँ वैल्यू डाल देता आंसर आ जाता, याद है ना वो शॉर्टकट, ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर ओरिजिनल मेथड जो था वो लगाना पड़ेगा, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट वाला, ऑलराइट, क्या पूछा है उस पर नजर मारो, क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ये मांगा उसने हमसे, ऑब्वियसली पहले एलसीएम लेंगे बिकॉज फ्रैक्शन है, इधर कितना आएगा अल्फा क्यूब, इधर कितना आएगा बीटा क्यूब, बेटा इसमें प्लस वाला तो हमने कर रखा है, ये माइनस दे दिया, ठीक है, अब माइनस देने की वजह से क्या हुआ, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, दिस इज द ओनली ट्रिक इन दिस क्वेश्चन, ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है ही नहीं, इसीलिए आंसर्स में प्लस माइनस आ रहा है, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्यों नहीं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, क्योंकि आप देखो अगर तुमने अल्फा की जगह बीटा रखा और बीटा की जगह अल्फा रखा तो बेटा ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, और सेकंड टर्म क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, क्योंकि माइनस आ गया, प्लस में तो सेम होते हैं, माइनस में सेम थोड़ी होते है कि नहीं, राइट, इसीलिए ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो एक नाम है, नाम है ना, वो तो सिर्फ काम तो वही करना है, सिमेट्रिक फंक्शन हो या नहीं हो भाई, अल्टीमेट टारगेट क्या है कि इन दोनों के टर्म्स में सब कुछ आना चाहिए, ये तो पक्की बात है ना, कि जो भी आना चाहिए वो इन दोनों के टर्म्स में आना चाहिए, सो लेट अस कन्वर्ट, तो मेरे को यहाँ पे बेटा कौन सी आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दिखते हैं, कौन सी आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, आपको पहले भी बता रहा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ऑलराइट, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, अच्छा नीचे तो अल्फा बीटा है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अब देखो ध्यान से भाई ये क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ रूट्स, अब डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा है, मतलब ये आपको पता है, अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा आपको पता है, व्हाट इज द ओनली अननोन, ये इसको भी मैं बदल सकता हूं, मैंने ऑलरेडी बदल के बता रखा है कैसे बदलते हैं, तो इसको तो क्या लिख लिया बेटा रूट डी बाय, ठीक है, अच्छा आप याद करो रूट डी बाय किसका फॉर्मूला था, मॉड अल्फा माइनस बीटा, यहां पे मॉड नहीं है, तो मॉड जब हटाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि अल्फा भी बड़ा हो सकता है और बीटा भी बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता कौन बड़ा, ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा प्लस माइनस, वो प्लस माइनस क्यों आ रहा है ऑप्शंस में वो समझो, इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहां मॉड नहीं, मॉड होता तो प्लस माइनस नहीं आता, समझ गए, तो प्लस माइनस आ गया, रूट डी बाय इसका फॉर्मूला लग गया, अच्छा इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यही लिखते थे इसको अपन, इसको अपन यही लिखते थे, साथ में प्लस में क्या आ रहा है अल्फा बीटा, वो एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे अल्फा बीटा एज इट इज लिख दिया, ठीक है भाई, राइट, नाउ इसको क्या लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, व्हाट इज माइनस टू प्लस वन, इट इज माइनस वन डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, अब देखो बेटा आपको सब कुछ पता है तुम्हें, एवरीथिंग इज नोन टू यू, ठीक है, नाउ लेट अस प्लग इन द वैल्यूज, अब वैल्यूज प्लग इन करते हैं, व्हाट इज बी, बी अभी मैंने निकाल के बताया था, वापस निकाल रहा हूं, बी स्क्वायर कितना हो बेटा वन, माइनस फोर इंटू ए कितना है वन, सी कितना है माइनस वन, ध्यान से देखो, तो ये कितना होगा वन माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस फोर कितना हो बेटा फाइव, ये ठीक है, तो डी की वैल्यू फाइव है, रखते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू वन है, ठीक है, पुट इट, तो ये रूट फाइव हो गया अपॉन वन हो गया, ऑलराइट, ए अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू देखो वन, तो वन का स्क्वायर वन,
माइनस अल्फा बीटा क्या वैल्यू, माइनस वन, तो वन माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नाउ हाउ मच इज दिस, प्लस माइनस रूट फाइव तो आएगा ही आएगा, इधर देखो वाइट माइनस माइनस प्लस वन टू, तो प्लस माइनस टू रूट फाइव आया कि नहीं आया, बाकी सब गया। सर इस माइनस का क्या होगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस लगा रहा है, प्लस माइनस में माइनस मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्लस मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा तो अभी भी प्लस माइनस ही, तो प्लस माइनस के साथ कभी भी माइनस आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज प्लस माइनस टू रूट फाइव, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्लस होगा या माइनस होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई ये पॉजिटिव होगा, सॉरी ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये हम नहीं बता सकते कि उसने किसको अल्फा बीटा लिया। ठीक है, इसीलिए माइनस वाले क्वेश्चन में जब बीच में माइनस साइन है तो हमेशा प्लस माइनस दोनों आंसर आएंगे, प्लस में इट बिकम द सिमेट्रिक फंक्शन, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस ही आंसर आएगा। समझ आ गई? सो दीज वर द फाइव क्वेश्चंस, अगेन वेरी गुड क्वेश्चंस, आई होप तुमने कर लिए होंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके रूट्स के बारे में क्या क्या हम निकाल सकते हैं, हमने देखा था रूट्स निकाल भी सकते हैं, रूट्स दिए हुए तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं एटसेट्रा। अब रिवर्स एप्लीकेशन, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें रूट्स पता है, अब उल्टा रूट्स पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, ठीक है, रूट्स आपको ऑलरेडी पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, तो बेटा क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ रूट्स हमने क्या मान लिया, एस, जैसे मान लो मेरे को रूट्स पता है कि भाई थ्री और फोर, तो मेरे को सम ऑफ रूट्स पता है सेवन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, तो मैंने बोला सम ऑफ रूट्स एस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी है, एस और पी डिनोट कर दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर मेरे को सम ऑफ रूट्स एस पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर जीरो, वही ऑल्टरनेट प्लस माइनस, बीच में कौन सा टर्म लगाना है एस और लास्ट में कौन सा टर्म लगाना है पी। समझ आ गई? दिस विल गिव यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। समझ आ गई? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू क्यूबिक इक्वेशन ऑल्सो, क्यूबिक इक्वेशन भी सेम कॉन्सेप्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन हो और मेरे को मान लो उसके रूट्स पता है, तो मेरे को उस केस में हमने पढ़ा था इनिशियली बीच में कहीं पढ़ा था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसमें तो दो ही चीजें निकल सकती है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन क्यूबिक में तीन चीजें निकलती थी, एस वन एस टू एस थ्री, एस वन यानी सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, एक एक का सम, एस टू यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, दो दो के प्रोडक्ट का सम, और एस थ्री यानी तीनों के प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली क्यूबिक इक्वेशन बनाने के लिए मेरे को तीन चीजें पता होनी चाहिए, मान लो वो तीनों चीजें मेरे को पता है तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, देखो वो होगी एक्स क्यूब माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स माइनस एस थ्री बराबर जीरो। अगेन ऑल्टरनेट प्लस माइनस नोट करो, हाइएस्ट पावर थ्री आएगी ऑब्वियसली क्यूबिक है, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कॉन्स्टेंट आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता जा रहा है, पहला हम हमेशा एलसी के बाद एस वन लिखते थे, उसके बाद एस टू लिखते थे, उसके बाद एस थ्री लिखते थे, उसी ऑर्डर में लिख रखा है बिल्कुल, अगर वो आपको याद है ओरिजिनल जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था क्वाड्रेटिक के सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, पहले हम उससे लिख रहे थे, अब हमें ये दे रखा है हमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक लिखनी है। ठीक है, तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट था, देखो हम एलसी के बाद वाले से सम लिखते थे और उसके बाद वाले से प्रोडक्ट लिखते थे और ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते थे, वही अभी भी किया, यहां भी वही किया। ओके, सो एनीवे क्यूबिक का एप्लीकेशन तो कोई बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, लेकिन ठीक है आगे जब क्यूबिक करेंगे तो एक आध क्वेश्चन इस पे देखेंगे, अभी तो सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि आप रिलेट कर पाओ कि भाई कोई भी डिग्री इक्वेशन हो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस सेवन एंड फोर, सपोज कोई आपसे ये बोले कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स माइनस सेवन और फोर है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बेटा, आपको रूट्स पता है तो आप क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट्स, व्हाट इज माइनस सेवन प्लस फोर, इट इज माइनस थ्री, सो सम ऑफ रूट्स माइनस थ्री, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस सेवन इंटू फोर, माइनस ट्वेंटी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ट्वेंटी। जैसे एस और पी आया तो उठा के कहां रखना है, यहां रखना है बस, क्वाड्रेटिक आ गई तो देखो यहां रखा एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू कितनी बेटा माइनस थ्री, डोंट फॉरगेट माइनस, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेंटी, डोंट फॉरगेट माइनस है बस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट बराबर जीरो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे माइनस सेवन एंड फोर। गॉट इट? ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल क्यूबिक का भी लिया है, क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 2 3, सपोज एक क्यूबिक है उसके रूट्स 1 2 3, तो बेटा क्यूबिक में कितनी चीजें निकालनी, तीन चीजें निकालनी, पहला सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, एस वन कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 6, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एस टू, वो क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 कितना है 11,
तीसरा S3 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, S1 × 2 × 3 कितना बेटा 6। ये सब उठा के कहां रखने यार, तो सबसे पहले कौन सा टर्म लिखोगे, एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री, फिर प्लस आया तो अगला वाला माइनस आएगा, फिर एस वन की वैल्यू डालोगे 6, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर अगला वाला माइनस की जगह प्लस आएगा, प्लस में क्या वैल्यू डालनी 11, एस टू डालना है और एक्स लिखना है, फिर प्लस की जगह वापस क्या आएगा माइनस, माइनस में फिर क्या डालना है S3 = 0 लिखना है। एग्जैक्टली ये चीज, दिस विल गिव यू द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन टू यू एज 1, 2 and 3। समझ आ गई बात, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मैंने, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ हुज रूट्स इज 3 + 2√7। नाउ यहां पे हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक पुराना कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो एक चार्ट हमने बनाई थी डी के रेस्पेक्ट में नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इरेशनल होता है तो दूसरा भी इरेशनल होता है और उसका कॉन्जुगेट होता है। ओके, क्योंकि मैंने ये तो मान ही लिया था कि कोएफिशिएंट्स रैशनल है, आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें कोएफिशिएंट्स कैसे मान के चल रहे हैं, रैशनल, ठीक है। नहीं भी लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि कोएफिशिएंट्स रैशनल है। ऑलराइट, तो मेरे को क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है 3 + 2√7। अब बेटा अगर पुरानी चीज याद करोगे तो अगर एक रूट 3 + 2√7 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया 3 − 2√7। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू बी यूज जो पहले पढ़ते हैं, वरना तो भाई कहां से, दूसरा रूट नहीं है तो फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहां से लाएंगे, और उसके बिना तो क्वाड्रेटिक बना ही नहीं सकते, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए, दोनों रूट्स, फिर उनका सम, फिर उनका प्रोडक्ट। यहां पे कितना रूट दे रखा है बेटा, एक दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि रूट्स आर पहला रूट तो क्या दे रखा है, वो तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है 3 + 2√7, ये तो क्वेश्चन में उसने दे रखा है। दूसरा रूट मैं बना लूंगा 3 − 2√7, क्यों बना लूंगा, क्योंकि ये तो हमने थ्योरी में पढ़ लिया कि भाई एक रूट इरेशनल होता है दूसरा उसी का कॉन्जुगेट होता है, a + √b a − √b होता था कि नहीं, ठीक है। तो हमें दूसरा रूट पता है, क्लियर। ये तो पहली चीज जो इस क्वेश्चन में समझ ली। अब दूसरी बात, अब तो उसके आगे तो भाई ऐसे ही चलेगा जैसे एग्जांपल करा है, क्या निकालोगे, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, व्हाट इज द सम ऑफ फ्रूट्स, इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर मैं 3 + 2√7 और 3 − 2√7 को ऐड करूं तो बेटा ये और ये तो कैंसिल हो गया, 3 + 3 कितना है 6, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ले लूं 3 + 2√7 और 3 − 2√7 का प्रोडक्ट ले लूं, तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b a − b, क्या होता है a + b a − b, a² − b² यानी 3 का स्क्वायर, b² यानी 2√7 का स्क्वायर, ठीक है। a² 9 हो गया और b² 7 का, √7 का स्क्वायर तो 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7 × 4 = 28, कितना है बेटा −19। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सब पढ़ने के बाद भी अगर कैलकुलेशन पुअर है तो फिर आंसर तो गलत ही आना, राइट। उसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ये नहीं भाई अपन देख लिया समझ में आ गया मतलब आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर जाके आंसर सही आएगा, ठीक है। तो 3 + 2√7 3 − 2√7, ऑलराइट, a² − b² a² कितना हुआ 9, b² कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4, एक तो ये 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 4 और √7 का स्क्वायर 7, 7 × 4 = 28, तो 9 में से 28 गया कितना बचा −19। जैसे एस और पी आया तो व्हाट इज द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन इज x² − sx, व्हाट इज s 6 प्लस पी, व्हाट इज पी −19 बराबर कितना 0, ये आपका आंसर। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट 1 रूट इज 3 + 2√7 इज दिस। अब इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गए तुम, इसमें मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं, यहां पे खाली मेरे को कुछ चेंज करना है बस। जैसे मैंने बोल दिया एक रूट है 3 − √2, तो दूसरा क्या होगा ऑटोमेटिकली 3 + √2। मैंने बोल दिया भाई एक रूट है, ऐसा भी दे सकता हूं मैं, जैसे मैंने बोला एक रूट है 1/2 + √5, वन ऑफ द रूट्स इज 1/2 + √5, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा दे दूं कि एक रूट 1/2 + √5, तो बेटा ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले तो आपको जब नीचे रैशनल इरेशनल दिखेगा तो आपको रैशनलाइजेशन करना है, तो आप पहले इस रूट को रैशनलाइज करोगे, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 − √5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऊपर तो 2 − √5 आ गया, नीचे कितना आ गया a + b a − b, a² यानी 4 माइनस बी स्क्वायर यानी 5, 4 − 5 कितना होता है −1, कितना आया बेटा −1, मतलब ऊपर साइन चेंज कर दो तो −2 + √5 आया कि नहीं आया, दोनों का साइन चेंज कर दिया क्योंकि नीचे −1 आया, तो −2 + √5 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब अगर कोई मेरे से ये बोलता कि भाई ऐसी क्वाड्रेटिक निकालो जिसका एक रूट 1/2 + √5 है, तो पहले तो 1/2 + √5 को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्यों कर दिया सर, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल हमारे को नहीं चलता, ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, समझ में, ठीक है।
अब जब एक रूट माइनस टू प्लस रूट फाइव है तो दूसरा क्या होगा बोलो, माइनस टू माइनस रूट फाइव, इसका साइन थोड़ी बदलते हैं हम, तो किसका साइन बदलते हैं, रूट वाले का साइन बदलते हैं हमेशा, इसको तो सेम रखते हैं। यानी अगर एक रूट ये है तो दूसरा क्या होगा फिर, माइनस टू माइनस रूट फाइव, दोनों रूट आ गए, अब वापस सेम गणित, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ, क्लियर। तो ऐसे भी दे सकता है वन अपॉन, तो वन अपॉन दे देगा, रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करने के बाद सेम काम कर लो, हमेशा साइन किसका बदलना है, इरेशनल टर्म का, कॉन्जुगेट के लिए साइन हमेशा इरेशनल टर्म का बदलना, क्लियर है। ओके लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, देखो ध्यान से, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें एक इक्वेशन के रूट्स के टर्म्स में ही दूसरी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यहां पे एक इक्वेशन तो दी हुई है, उसके रूट्स क्या दिए हुए बेटा, अल्फा बीटा। अब आपको एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है मतलब ये लगाना, ये तो पक्की बात है। अब जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स कौन है, उसके रूट्स हैं ये और ये, लेकिन ये अल्फा बीटा आएंगे कहां से, वो तो उस इक्वेशन से आएंगे क्योंकि वो उसके रूट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस को कंपेयर भी करा सकता है। तो अब देखो, सबसे पहली बात, जब भी मेरे को ऐसा बोलेगा कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अपन ने एक टेक्निक निकाल ली थी, सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे कि, सबसे पहले क्या चेक करना था कि भाई इस इक्वेशन के जो रूट्स है क्या वो हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो यही चेक करना था, उसके लिए हम डी निकाल लेंगे, ठीक है। डी निकाल लेंगे या ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करना भी सीखो थोड़ा, जैसे यहाँ पे पहला लास्ट टर्म क्या है सिक्स और फर्स्ट टर्म क्या है वन, सिक्स इंटू वन यानी सिक्स, क्या हम सिक्स के दो फैक्टर कर सकते हैं जिनका सम सेवन हो, कर सकते हैं ना, छ और एक, छह इंटू एक क्या होता है छह, और छह प्लस एक क्या होता है सात, बैठ गया, स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई मतलब इसको नेगेटिव एलसी, नेगेटिव एलसी से डिवाइड किया, एलसी वन है, इसका मतलब व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, माइनस सिक्स एंड माइनस वन, तो बड़े आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई, समझ में आई बात की नहीं, डी निकालने की जरूरत नहीं भाई, ऑब्जर्वेशन करो ना, छह के दो फैक्टर क्या होते हैं बेटा, छह दिखते ही दिमाग में क्या आएगा, तीन इंटू दो छह इंटू एक, क्या तीन तीन प्लस दो पांच, तीन प्लस दो सात होता है क्या, नहीं होता, छह प्लस एक सात होता है, होता है, तो बस हो गया स्प्लिट, हमें सात चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, ऐसे नहीं बैठते ही बस चालू हो गए मेथड लगाना चालू, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चालू, नहीं, हर क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। अगर हमें कोई इक्वेशन दी, हम पहले ये देखेंगे क्या उसके रूट्स निकल सकते हैं, क्योंकि अगर उसके रूट्स निकल सकते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमने पहले ऑब्जर्व कर लिया, रूट्स निकल गए, रूट्स निकलने के बाद तो पक्का है भाई कि दो रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, तो किसी भी एक को कुछ भी मान लो, जैसे अल्फा को क्या मान लिया माइनस सिक्स, और बीटा को क्या मान लिया माइनस वन, दो रूट्स हैं, अल्फा को माइनस सिक्स, बीटा को माइनस वन मान लिया। अब बेटा मेरे को जो दो रूट्स हैं वो तो ये और ये है, ठीक है। तो अपन ने मान लिया भाई कि लेट गामा, एक नया वेरिएबल गामा मान, जिसकी वैल्यू हमने क्या मानी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये वैल्यूज डाल देते हैं जो हमने निकाली अभी। तो अल्फा स्क्वायर मतलब 36, बीटा स्क्वायर यानी 1, ठीक है, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट यानी माइनस 6 इंटू माइनस 1, तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 36 और 1 37 और 6 43, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रूट, इट इज 43, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड रूट, डेल्टा, डेल्टा कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, वही जो यहां था वही सेम वापस लिख दिए, ये वाला रूट, ठीक है। अल्फा स्क्वायर तो वही आएगा 36, बीटा स्क्वायर भी वही आएगा 1, माइनस अल्फा बीटा कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस 6 इंटू माइनस 1, तो खाली प्लस की जगह माइनस आ रहा है ना, तो इसलिए यहां भी प्लस की जगह क्या आएगा, खाली माइनस, और तो कोई फर्क ही नहीं। 36 प्लस 1 37, 37 माइनस 6 इज 29, ये गामा डेल्टा क्या है सर, तो ऐसे ही मान लिया, बार बार ये लिखने की जगह इसको क्या नाम दे दिया गामा, इसको क्या नाम दे दिया डेल्टा, जैसे अल्फा बीटा बोलते हैं वैसे गामा डेल्टा। तो यानी अब जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स गामा और डेल्टा है, अब जो हमें इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स गामा और डेल्टा है, तो बेटा उन रूट्स का हमें क्या चाहिए, सम, और उन रूट्स का हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो अब दो चीजें निकालनी, एक तो सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ दीस टू रूट्स, मतलब गामा प्लस डेल्टा, वही निकालना, 43 प्लस 29, 43 प्लस 29 कितना हो गया बेटा 72, कितना हुआ सम ऑफ रूट्स 72, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, गामा डेल्टा, वो होगा 43 इंटू 29, जो भी आता है 43 इंटू 29, ठीक है। तो मेरे पास सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, क्लियर है। अब जैसे ही आया तो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना है 72, प्लस पी, पी कितना है 43 इंटू 29 बराबर कितना बेटा जीरो, 43 इंटू 29 बराबर जीरो, सो दिस इज द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन।